तो अपलोड हो ही नहीं रहा आजकल, करते क्या हो? बस इंतजार करते हो कल होगा, मिसाल आएंगे तो? नहीं है अच्छा, विशाल सर आएंगे तो होगा ही। जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? इंक्लाइन डाउन द प्लेट, ठीक है? यहाँ से प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, आप पहले क्या कर रहे थे, किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे थे, मान लो एंगल थीटा पे आप प्रोजेक्ट कर रहे थे। अगर ये थीटा में बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इतना कर दूं मैं, इस केस में क्या होगा? अगर मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से है, ऐसा समझो कि एक प्रोजेक्टाइल है, इंक्लाइंड प्लेन है, और मान लो कि आप यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को आप ऊपर क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो थीटा एंगल से, ये प्रोजेक्टाइल इसे मूव कर रहा था। एक केस हम लोग देख चुके हैं, एक केस हम लोग देख चुके हैं, इसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर ये थीटा हम लोग बढ़ाते जाए, थीटा हम लोग बढ़ाते जाए, थीटा बढ़ाते बढ़ाते ऐसे कर दे हम लोग, ठीक है? तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा ना। तो जो हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे थे इस केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत छोटा हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहे हॉरिजॉन्टल रेंज चाहे मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तीनों केस हम लोग कहीं पे कंडीशन लिए थे क्या? थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, कहीं पे कंडीशन लिए थे क्या? नहीं लिए थे ना। इसका मतलब ये जो हम लोग चीज कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट रेंज जो भी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, यानी डाउन टू प्लेन में, अगर इसके जगह पे अगर ए एंगल की बात करें, ए एंगल अगर थीटा है तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ ना, बोलो, हो जाएगा ना। अगर इस फॉर्मूले में यहाँ पे थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्टाइल अप द प्लेन ना होके, ये प्रोजेक्टाइल अप द प्लेन ना होके प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा? डाउन द प्लेन हो जाएगा, ठीक है? थीटा यहाँ क्या ले रहे थे हम लोग? इंक्लाइंड प्लेन से एंगल ले रहे थे ना, इंक्लाइंड प्लेन से एंगल ले रहे थे ना। ध्यान से देखो ना, इंपॉर्टेंट है ये, थीटा क्या था हमारा? इंक्लाइंड प्लेन से एंगल था। इस केस में देखोगे, इस केस में जो इंक्लाइंड प्लेन से एंगल होगा ये होगा ना, यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है ये, ठीक है? अगर उस फॉर्मूला में हम लोग को पुट करना हो तो हम लोग कौन सा एंगल लेंगे? ये एंगल लेंगे ना, इंक्लाइंड प्लेन से एंगल। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर इस सारे इस फॉर्मूले में अगर हम लोग थीटा की जगह पर अगर रिप्लेस कर दो 180 डिग्री माइनस थीटा से, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर मैक्सिमम हाइट, तीनों अपने को निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या बताओ? तो इस केस में हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को बस थीटा को क्या करना है, रिप्लेस करना है किससे? तो हम लोग को थीटा को रिप्लेस करना है 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। बात समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो रट लेंगे हम लोग कटाक से, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया था उस केस में, अगर थीटा मान लो किधर की ओर होता तो ऊपर क्यों जाता? इसमें अगर थीटा बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, ठीक है, इतना हो जाए थीटा, तो हमको कोई प्रॉब्लम है क्या? हमको कोई प्रॉब्लम है क्या? उसमें पुट कर देंगे। तो डाउन द प्लेन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे हम लोग? रिप्लेस करेंगे हम लोग, रिप्लेसिंग थीटा, रिप्लेसिंग थीटा विथ 180 डिग्री माइनस थीटा। कर सकते हैं ना? इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा डाउन द इंक्लाइंड में, ठीक है, डाउन द प्लेन में, प्रोजेक्टाइल में क्या हो जाएगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? तो 2u साइन थीटा था। अब थीटा क्या लेंगे? अगर थीटा यहाँ से इस तरह से दे रखा है थीटा हमको, तो हम उस थीटा को क्या पुट कर देंगे? यहाँ से एंगल पुट कर देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। बताओ कोई गुनाह किए हैं क्या हम? कर सकते हैं? अल्फा तो वही है, अल्फा तो वही है। बात समझ में आ रहा है सबको? अध्या, हाँ सर, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसी तरह से अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करें, तो मैक्सिमम हाइट कितना था? तो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा, थीटा का जवाब क्या लिखेंगे बोलो, 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय क्या था, जी कॉस अल्फा, सॉरी 2 जी कॉस अल्फा। नेक्स्ट हमारे बोल कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी कॉस अल्फा। अगेन कितना जगह ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी कॉस अल्फा, होगा कि नहीं होगा, ये आपको मैक्सिमम हाइट आ गया, ये आपको टाइम फ्लैट होगा। रेंज के केस में क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू क्या था आपका, रेंज इज इक्वल टू था याद रखोगे 2u स्क्वायर। हमेशा स्टार्टिंग में क्या करोगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्टार्टिंग में जब भी आपको एक दो क्वेश्चन करना होगा आप क्या करोगे, x बाय में मान के उसको बनाओगे, सॉल्व करोगे। पहले भी बोला हूँ कि जैसे हम डिराइव करते हैं उसी तरह से उसको सॉल्व किया करो, ठीक है। बाद में एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद आप क्या करो, फॉर्मूला याद कर लो ताकि आपको डेरिवेशन भी साथ साथ पता रहे कैसे हम लोग चीज निकालते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत फायदे करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ड्राइव करके चीजों को सॉल्व किया करो, जिस तरह से निकालते हैं ना ड्राइव करके उस तरह से निकाला करो एक दो क्वेश्चन में, उसके बाद क्या करो फॉर्मूला याद कर लो। तो रेंज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 2u स्क्वायर sin थीटा, ठीक है, cos अल्फा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर अल्फा, क्या करेंगे इसके, ठीक है। प्रोसेस क्या है, हमेशा क्या करेंगे एक बता देता हूं, रेंज में क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू, लेकिन अपने को क्या पुट करना था, यहाँ पे थीटा नहीं पुट करके क्या पुट करना था आपको, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का जवाब क्या पुट करेंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ क्या था, थीटा प्लस अल्फा था, थीटा प्लस अल्फा था, लेकिन थीटा का जवाब क्या पुट करेंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस क्या जाएगा अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज इक्वल टू कितना जाएगा आपको, 2u स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और यहां से क्या जाएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा। अब यहां पे क्या करेंगे, जो मैक्सिमम डिग्री रहेगा उसको कॉमन ले लेना, सो x टू द पावर 3 cos, इसको ऐसे लिखोगे माइनस ऑफ थीटा तो ये क्या जाएगा माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगा, बस समझ में आ रहा है, cos 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा प्लस अल्फा ऐसे लिखेंगे ना इसको, डिनोमिनेटर से भी वही करना, क्या जाएगा cos of theta minus alpha हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और आगे negative sign आ जाएगा, minus cos हो जाएगा ना, divided by g cos square alpha। ये negative sign क्यों आया, negative sign इसलिए आया, ये जो range आया, हम तो range क्या लिख रहे थे, ऊपर क्यों लिख रहे थे ना r, हम जो range लिख रहे थे क्योंकि हम क्या किए, हम तो इसी formula को use किए, पुराना वाला जो formula था इसी formula को use किए, इस formula में r क्या आ रहा था, इधर क्यों आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे r आपको नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि r आपका कहाँ गया, नीचे की ओर आया, तो ये माइनस r आएगा ना, तो नेगेटिव साइन आपको बता रहा है ये क्या हुआ है, इधर की ओर मूव किया है, बात समझ में आ रहा है, माइनस क्यों आया, फील आता है ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ लिख रहे हैं इसलिए नहीं, बात समझ में आता है, यस सर, ठीक है। तो रेंज क्या आ गया, माइनस टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस चीज को आप क्या करोगे, याद रखोगे इस चीजों को, ठीक है। रेंज कुछ नहीं करना है आपको, तो अगर डाउन द इंक्लाइंड है तो टाइम ऑफ फ्लैट क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट भी क्या होगा, सेम ही होगा, और रेंज में जब बात करेंगे तो रेंज में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। उसमें क्या होता था, cos थीटा प्लस अल्फा लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos of थीटा माइनस अल्फा, बस यहाँ पे क्या आ रहा, थोड़ा सा चेंज आ रहा है डाउन द प्लेन में, प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, समझ में आ रहा है, m और n डिग्री है, दोनों अगर डिग्री इक्वल होंगे तो कांस्टेंट जो, बोलो बोलो बोलो, नहीं आया ना, नहीं आया, कि आया आया सर आया, ठीक है। तो यहाँ पे
एक चीज और आपको, आप होमवर्क देंगे हम कल जो होमवर्क दिए थे, ठीक है, कि आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स कब होगा, ठीक है, कंडीशन निकालना है फॉर आर मैक्स, यानी ठीक है आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आर मैक्स आपको आएगा, सॉल्व करना आप, ये होमवर्क में रहेगा आपको। कैसे सॉल्व करोगे, कल भी सॉल्व किए होगे इसको, डी आर बाई डी इक्वल टू जीरो करके किए होगे सॉल्व, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़े हो क्या? यस सर। बाकी लोग नहीं सर, नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ा कल रिमाइंड कराना, पहले हम मैक्सिमम कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पहले हम मैक्सिमम मिनिमम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिर तुम लोग किए नहीं होगे, ये भी नहीं किए होगे, और मैक्स जो कल निकालने के लिए दिए थे वहां पे क्या न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, तुमने किया जी, बाकी कैसे किए फिर? सर हमको तो आता ही है। अच्छा, कल ऐसा ज्यादा देर का चीज नहीं है, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट का काम है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है, इस चीज को हम लोग पढ़ा देंगे। तो आज के लिए भी इसको छोड़ देते, आप ट्रिगोनोमेट्री से भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सेकंड मेथड हम कल बताए थे, दो मेथड बताए थे हमने, एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से किए होंगे और एक हम लोग डिफरेंशिएट करके किए होंगे, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, और एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज किए होंगे, टू साइन थीटा इंटू सॉरी टू साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज किए होंगे, ये तक नहीं किए थे। आप उसी फॉर्मूला से आप क्या करोगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, बाकी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। तो जब आप इसका मैक्सिमाइज करोगे, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, तो जो आर मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगा आपको जी इंटू वन माइनस साइन अल्फा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, वहां पे क्या आ रहा था प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा रेंज वो थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा आपका पाई बाई टू प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू, वहां पे क्या रहा था तो पाई बाई टू माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू। तो डॉन द प्लेन के केस में, बात समझ में आ रहा है, ये आपका होमवर्क है, नहीं करोगे तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि नहीं हुआ तो, लेकिन कुछ चीज आप खुद ट्राई करो तो ज्यादा बेटर है। मतलब ये कौन सा एंगल होना चाहिए, ठीक है, थीटा की कौन सी वैल्यू होना चाहिए ताकि रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, पाई बाय फोर प्लस अल्फा बाय टू ना, वही सर ऊपर वाला बोले फिर डिवाइड बाय टू। हाँ, ये चीज आप कैसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो, कल के क्लास में शायद आपको ध्यान होगा, कहाँ पे था, कहाँ गए बोगे जी, अभी था ना, ये हाँ, कल के क्लास में हम लोग इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज किए थे, ठीक है, इस तरह से किए थे हम लोग इसको, ठीक है, आप एक तरीका से एक बार आप खुद करोगे, ठीक है, इस तरीका से आप इसको कल के लेक्चर में देखना। नहीं, ये तो आर निकालने के लिए ना, ऑप्शन दे दो, ये बनाना। हाँ, आर को हम लोग इस तरह से लिखे थे, अब फिर यहाँ से हमको मैक्सिमम मिनिमम किए थे, और दूसरा बोले थे कि सेकंड मेथड है जो हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है, ये डी आर वाई डी थीटा इक्वल टू जीरो करके कैसे निकालते हैं ये हम बता देंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड था, आप इस मेथड से आर मैक्स निकालोगे। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू आया था, अभी क्या आ रहा है तो पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू आ रहा है, यानी उतने एंगल पे रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किस केस में, तो जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को डाउन द प्लेन हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, सब हम कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं, ये सब चीज आप खुद ड्राइव करोगे फिर हम बताएंगे, करो बात समझ में, करके आओगे, करके आओगे ना। तो डाउन द प्लेन में यानी प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो रेंज निकालना हो, मैक्सिमम हाइट निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, तो कुछ ना कुछ खास करना नहीं है, आपने जो पहले फॉर्मूला यूज किया है उसी में थीटा को बस रिप्लेस कर देना है, किससे, तो 180 डिग्री माइनस थीटा से, बात सुन मा रहे हैं, बोलो, यस सर,
अब आते हैं हम लोग वापस से क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 54 बोल रहे थे बुकलेट में, आप लोग बुकलेट खोल सकते हो, ठीक है। अभी स्क्रीन पर तुम कुछ लिखेगा नहीं, बुकलेट खोल के वो क्वेश्चन पढ़ो। एक्सरसाइज 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, पेज नंबर 21 इसमें दिखा रहा है मेरे को, तो कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा। ये इस प्रोजेक्टाइल का लास्ट टॉपिक है, थोड़ा तो डिफिकल्ट होता ही है, तो इसे डिफिकल्ट है नहीं, तो कहीं भी नहीं आएगा। तो आप 2-3 बार रिपीट करा सकते हो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाने के बाद नहीं। आज के बाद हमें नया टॉपिक शुरू करो, फिर उसमें पूछो कि सर वो वाला तो समझ में नहीं आ रहा था, जरा डॉट दे दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया सबके सब, चलो क्वेश्चन पढ़ लिया तो इधर आ जाओ, स्क्रीन खोल लो। बोलता है प्रोजेक्टाइल इज, स्क्रीन देख लो सब, क्वेश्चन पढ़ लिया होगे। बोलता है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी v एट अ राइट एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है थीटा, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। तो पूछता है कि जो r का एक्सप्रेशन होगा रेंज क्या होगा, फाइंड रेंज। आपको दे रखा है कि एंगल कितना है, थीटा है, और चार ऑप्शन दे रखा है आपको। ऑप्शन ए 2v² / g (sec θ), ऑप्शन बी दे रखा है आपको 2v² / g (tan θ), जैसे सॉल्व करो तो जरा। ऑप्शन सी दे रखा है आपको 2v² / g (tan θ) / sec θ, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको v² / g (tan θ). चलो करो, क्वेश्चन समझ में आया, कुछ करना नहीं है, क्या करना है तो रेंज इक्वल टू को पता है कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, जितना बोलोगे माइक अनम्यूट करके बोलो। 2u(sin θ)(cos θ−α)/g(cos²α), यही होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या था, अल्फा था हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और थीटा हमारा क्या था, ये थीटा था जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, ये था हमारा थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा जैसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है, जब फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ पे जो हमारा अल्फा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आप फॉर्मूला जब पुट करोगे तो 2u² sin θ, sin θ क्या है यहाँ पे, sin θ क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था हमारा, हम जब ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, तो थीटा क्या था हमारा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था ना, ये वाला एंगल था ना, ये हमारा क्या था, अल्फा था। तो हम लोग 2u² sin θ, तो sin θ जब क्या पुट करेंगे हम लोग, 90 डिग्री ना, इनटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री, माइनस अल्फा, अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे थीटा है, कंफ्यूज नहीं होना है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा हमारा क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो जो फॉर्मूला आप याद करते हो उसमें जो चीज यूज हुआ है उसको भी पता होना चाहिए, किसको हम लोग अल्फा लिए थे, किसको हम लोग थीटा लिए थे। तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जाएगा 2u² sin 90 कितना हो जाएगा 1, और cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय g(cos²θ) हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, u की जगह यहाँ पे v लिख लेंगे, ठीक है, v लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो आपको आ जाएगा 2v² sin θ / cos θ, कितना जगह tan θ ले सकते हैं हम लोग, और एक cos θ नीचे बच जाएगा तो उसको हम लोग sec θ ले सकते हैं, डिवाइड बाय g।
इतना जल्दी बन गया क्वेश्चन। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है ना, टू बी स्क्वायर साइन टेन थीटा इंटू सेक थीटा बाई जी। बात समझ में आया, एक लाइन लिखोगे आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कोई दिक्कत? नलायक हूँ गधे, कोई दिक्कत? मांगी बड़ा चुप चुप रहती आजकल, मांगी आधा गायब हो गया था मेरा, नेटवर्क गायब हो गया था सर, मतलब नेट मेरा खराब है, आप ऐसा नहीं सर, आपका कुछ शब्द गायब हो जाता है। अरे अरे तो समझ में आता है सर, हम रिकॉर्डिंग देख लेते थे अभी तो सर, मतलब ये वाले रिकॉर्डिंग के इंतजार में, मतलब सर जब आएंगे तब देखते हैं कुछ, मतलब हम लोग जुगाड़ करते हैं, रिकॉर्डिंग डाला करेंगे। दिक्कत तो होता है बीच में, कहीं नेटवर्क आया नहीं आया, तो आधा सुना दिया था नहीं सुना दिया, तो आधा ही समझ में आएगा। एक क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे तो धीरे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 55 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखो जरा, बोलता है कि टाइम ऐसा मैं बताता हूँ, चलो यहीं पे बताता हूँ मैं क्वेश्चन, इस तरह से बताते जाता हूँ। बोलता है एक प्रोजेक्टाइल है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, ये दे रखा है पी, ये दे रखा है आपको क्यू, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव किया है, और यहाँ पे दे रखा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल को क्या है आपको, कैपिटल टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपको, कैपिटल टी है, देन रेंज इज इक्वल टू कितना होगा, देन रेंज आर इज, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए टी इंटू वी इंटू साइन थीटा, ऑप्शन बी टी वी कॉस थीटा, ऑप्शन सी टी वी सेक थीटा, ऑप्शन डी टी वी टेन थीटा। चलो बताओ, क्या होगा फटाक्ष बताओ, इतना टाइम लगाओगे, कोई नहीं बोलता है अध्याय स्वयं सर, टीवी इंटू टेन थीटा, हाँ वेरी गुड, टीवी इंटू टेन थीटा। बाकी लोग वन माइनस ये लिखोगे, कुछ करना नहीं है, आप रेंज का फॉर्मूला रटे ना, रेंज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस अभी निकाले थे इनटू क्या हो जाएगा, एक्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 90 इनटू साइन थीटा डिवाइड बाय जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा था ना। आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसमें बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, यू स्क्वायर क्या लिख रहे हैं सर, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रहे थे, कोई बोलता नहीं है तो क्या करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टू यू साइन थीटा बाई क्या होगा, जी कॉस अल्फा होगा, तो कॉस अल्फा के जगह क्या लिख लो यहाँ पे, सॉरी साइन थीटा के जगह क्या लिख लो यहाँ पे, तुम क्या कुछ बोलो, नहीं बोलोगे ना तो फिर मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है, ठीक है, टू यू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई जी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा, तो टू यू डिवाइड बाई, पता है तीसरा क्लास ले रहा हूँ, कंटिन्यू
3:30 बजे से बोल रहा हूँ, स्क्रीन देख रहा हूँ, दिमाग हैंग हो जाता है कंप्यूटर की तरह। तो थोड़ा एक्टिव रहो तुम लोग भी। 2u/g cos θ आपको क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लैट आ गया, और रेंज आपका क्या है, ये है, कुछ किए नहीं है। टाइम ऑफ फ्लैट क्या होता है, 2u sin θ / g cos α। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज गायब हो गया। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। एक्चुअली लाइट है नहीं और पावर इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया हम लोग का, तो बस एक क्लास है इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, अब कितना टाइम बचा होता, लाइट ही नहीं है सुबह से, बुकलेट मिल गया है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बाकी होमवर्क दे दूंगा करके आना। हाँ सर, एक बार बुकलेट भेज दीजिए ग्रुप में प्लीज। हाँ ठीक है, भेज देते हैं। तो आप देख लेना क्या बोल रहे थे हम लोग, 2u/g cos θ हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ से बचेगा u (sin θ), नीचे क्या बचेगा आपका cos θ। तो ये तो क्या हो गया आपका, टाइम ऑफ फ्लैट हो गया t (t)। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे भी लिख रहा था, भी लिख लेना, हम अभी यू लिख रहे हैं, और sin θ / cos θ कितना जाएगा, tan θ हो जाएगा। तो टी भी क्या जाएगा, tan θ। अभी लाइट नहीं है तो क्लास नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसमें आप देखोगे तो होमवर्क तौर पे आप क्वेश्चन नंबर कुछ करना नहीं होगा, सब में आपको आप याद कर लेना रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, और इसको क्या करना α θ पहचान के आप पुट करते चलना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 63 ये आपका होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। और इधर में आप कुछ किए हो क्या क्वेश्चन, इस बुकलेट में कोई क्वेश्चन नहीं किए हो ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना 43, 44, ठीक है, 48, 49, 18, 50, 19, 20, 52 and 53। जितना होगा उतना करना, ट्राई करना कि सारा होमवर्क करके आए। और इसमें एक चीज देखना कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 and 60 सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आंसर थोड़ा गड़बड़ है 60 में, ठीक है,
60 का आंसर बी दे रखा है, लेकिन इसको करेक्ट करके आपका कर लोगे डी कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, 55 एंड 60 सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक आंसर आपको डी मिलेगा, एक आंसर आपको कुछ और मिलेगा, तो उसको करेक्ट करके आपका कर लोगे बी कर लोगे, ठीक है। और एक दो और करेक्शन है, उसको आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 61 में भी करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि उसका आंसर आपको डी होगा, ठीक है। और एक करेक्शन और रखना, इसके जो ऑप्शन बी है, आंसर आपको बी मिलेगा, तो बी में आपको आंसर दे रखा है इसके 20/3 दे रखा है, आप उसको अंडर रूट 3 कर लोगे बुकलेट में, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर आपका डी है, ठीक है। आंसर इसका डी होगा। और क्वेश्चन नंबर, चलो इतना कंप्लीट करते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 62 में भी थोड़ा सा करेक्शन है, लास्ट में देखोगे कि लिखा हुआ इस तरह से, इट्स, आप पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इट्स रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन इज 20, पहले लिखा हुआ 20 का मतलब नहीं है, इसके बाद कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, 20 लिखा हुआ होना नहीं चाहिए, बाकी जो नीचे ऑप्शन है वो बाकी सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे करेक्शन, करेक्शन ऐसे हुआ नहीं था क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया, तो सर लोग मतलब जो काम करते तो है नहीं, तो ये सब बुकलेट में करेक्शन है, आप ध्यान रखोगे। किसमें है, 161 में आंसर में, 160 के आंसर में, ठीक है। और एक करेक्शन है आपको, बस इतना ही है, बाकी सब ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप, 161 में करेक्शन है, हाँ ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे, इतना होमवर्क करके आओगे, ये होमवर्क है और ये होमवर्क है, करके आओगे ना, यस सर। तो अगर ये सारे क्वेश्चन अगर कर लोगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे सर, और बुकलेट भेज देंगे। हाँ सर, प्रोजेक्टाइल मोशन का यही करना है खाली, बस सर। हम नीट का देखे थे सर, नीट का जो क्वेश्चन देखे थे बड़ा भारी भरकम सवाल था। कौन सा क्वेश्चन तुमको भारी भरकम मिल गया सर? मतलब मेरे पास सैंपल पेपर्स है ना, तुम मुझे भेजना और देखना जितना पढ़ाए उससे बना है कि नहीं बना है। हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किया ना, अभी क्वेश्चन तभी देना शुरू किया ना, होमवर्क कहाँ दिया था मैंने कुछ, देखो करो बुकलेट पता चल जाएगा अपने आप, करके देखना, उसके बाद देखना उसका नीट का सैंपल, ऐसे तोड़ फोड़ दोगे तुम लोग, कोई जान नहीं बचेगा उसमें। कोई भारी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको, काहे टेंशन लेते हो, सब है ना, भेजना जो भी क्वेश्चन ना बने, आप कहीं से भी क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो अगर नहीं बने तो आप मुझे क्या करना, भेज देना, एक दो बच्चा भेजता है, लक्ष्य भेजते रहता है, कहीं से भी अगर लगता है कि नहीं बन रहा क्वेश्चन तो आप मुझे क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। पीडीएफ मिल गया, मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी क्लास पॉसिबल नहीं है।